Welcome to Mahashivaratri. हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दोरा ही नहीं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दिन को आज यूएस में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। बस मोदी की इज्जत रह गई। मोदी इस टाइम सऊदी अरब दे विच, तुसीं यूए दी गल करदे हो, सऊदी अरेबिया दे विच उनका बहुत ज्यादा असर अंदाज है। ये कोई पहला त्यौहार नहीं है हिंदुओं का जो यूएस में मनाया जा रहा हो। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए। ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब। बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे त्यौहार हैं जो हमने देखे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट भी किए जाते हैं और वहाँ पर छुट्टी भी दी जाती। हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। आई थिंक ये इसको इंडिया का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक इंडियन डिप्लोमेसी की सक्सेस है। ये शंभू शंभू श्री महादेवा शंभू। देखते हैं कि अरब जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो कि मुस्लिम कंट्रीज है और दूसरी अदर कंट्रीज का भी रुझान इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा, इंडिया को बहुत ज्यादा वैल्यू। मोदी वही भी मतलब उनसे नकल मारो, मोदी क्या करता है। बात यह कि इस दिन को आज यूएस में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये कोई पहला त्यौहार नहीं है हिंदुओं का जो यूएस में मनाया जा रहा हो, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे त्यौहार हैं जो हमने देखे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट भी किए जाते हैं और वहाँ पर छुट्टी भी दी जाती है उनके खास त्यौहार पर। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान का कोई त्यौहार यूएस में सेलिब्रेट किया गया हो, लेकिन इंडिया का आने वाला या गुजरा हुआ हर त्यौहार यूएस में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे क्या वजूहात है? यूएस में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? आज तक हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान का कोई त्यौहार यूएसए में इतने अहतमाम के साथ मनाया गया हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम पाकिस्तानी यूएसए के साथ बिजनेस क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसकी रीज़न वो यूएसए वाले हमें कहते हैं कि आप लोग हमारे कुत्ते हैं। सीरियसली, प्रैक्टिकली अगर किसी गोरे को वाकई जो के इस चीज़ को हाव नाव रखता हो, विजिट के लिए जो आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनके वाकई ही उनकी सियासत में है या वट एवर उनकी गवर्नमेंट में है, उनके गवर्नमेंट कहते हैं ये पाकिस्तानी हमारे कुत्ते हैं। और कुत्ते कैसे हैं मैं बता देता हूँ। हम अभी मैं अगेंस्ट नहीं हूँ आर्मी के, लेकिन हमारी आर्मी क्यों उनके टुकड़ों पर पाल रही है, ये रीज़न है उनके टुकड़ों पर पाल रही है। ये उनके साथ कारोबार करें, हमारे मुल्क में क्या नहीं है? इस मुल्क में कोई कमी नहीं है। इस मुल्क में अगर कमी है तो ये जो इंसानियत की कमी है, इस मुल्क में अगर कमी है तो ये जो खा रहे हैं ना इनकी कमी है। मतलब ये कम हो जाए तो हमारा मुल्क बहुत आगे है। हर चीज़ हम उनको उनके साथ कारोबार करें वो सब कुछ करेंगे। इंडिया के साथ वो कर रहे हैं, इंडिया के साथ नहीं दे रहा, इंडिया भेज रहा है ना सारी चीज़ें, क्योंकि उनको सबका पता है वो मुस्लिम के एक्चुअली अगेंस्ट क्यों हैं। मुस्लिमों ने अपना नाम खुद ख़राब किया है उनसे पैसा खा के, उनके उनके ही मुल्क में ऐसे ऐसे काम करके जो कि नहीं एक मुसलमान को शोभा नहीं देते, ये रीज़न है। यूएस में मनाया जा रहा है और प्रॉपर पूजा पाठ की जा रही है। बिल्कुल ऐसा है, किया है उन्होंने, और हमारी ईद होती है और वो कोई भी उस पर नहीं हो। हालांकि यूएस में मुस्लिम बहुत कम्युनिटी बहुत है, लेकिन वो इतनी प्रेफरेंस ही नहीं देते ड्यू टू पाकिस्तानी, इंडियन मुस्लिम नहीं है वहाँ पे, पाकिस्तानी मुस्लिम है, प्रेफरेंस ही नहीं देते। क्यों? लेवल लग गया पाकिस्तानी होने का। सर, जो इंडियन को रिस्पेक्ट मिलती है वो पाकिस्तानियों को किसी भी मुल्क में कभी नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती, उसकी रीज़न है कुछ पाकिस्तानियों ने काम ख़राब किया हुआ है, ठीक है। वहाँ जाके जो जुगाड़ यहाँ चलता है वो वहाँ भी चलाते हैं, जो दो नंबरियाँ यहाँ करते हैं वो वहाँ भी करते हैं। और दूसरा हमारे सियासतदान, अरे भाई मुझे ये बताओ, हमारे आर्मी के किसी भी ऑफिसर का काम ही नहीं बनता वहाँ जाना, इनके बच्चे तक वहाँ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं यूएस में, क्यों पढ़ते हैं यहाँ पे, क्यों नहीं इतनी अच्छी एजुकेशन रखते, इनके इख्तियार में इनकी अपनी हुकूमतें हैं, इनके अपने पैसे हैं, क्यों नहीं करते इतनी अच्छी एजुकेशन करें। यूएस वाले यहाँ पे आए, आपकी एग्रीकल्चर दुनिया की नंबर वन एग्रीकल्चर, दुनिया का नंबर वन ये जो नहरी निज़ाम है दुनिया का नंबर वन है हमारा, क्यों है? अब यहाँ आना चाहिए उनको, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, आते हैं लोग और दुनिया से आ रहे हैं, यूएसए क्यों नहीं आ रहे? लेकिन सर, ज़रख़ेज़ मुल्क होने के बावजूद भी, नहरी निज़ाम होने के बावजूद भी हमारे मुल्क में ना तो डैम्स बनाए गए हैं,
गंदम का फुकदान हमारे मुल्क में है। आपको किसने कहा डैम्स नहीं है? डैम्स हैं, डैम है ना, तो जिस डैम के लिए इन्होंने पैसे लिए हैं ना, उस डैम का पूछे, उस डैम का कोई पता नहीं है। कहा जाता है कि ये जो चीज है, ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, इंडिया हैज यूज्ड इट इन अदर रीजंस, पर्टिकुलरली इन साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में। कहा जाता है कि कंबोडिया वगैरह में और बहुत सारी जगहों में जहाँ पे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म वगैरह जो है एक शेयर्ड हेरिटेज जिसकी बात होती है साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे तो ये चीज़ें थी। ठीक है, सो नरेंद्र मोदी इज गिविंग अ मैसेज टू द इंडियन पीपल दैट नहीं, इस्लाम यहाँ आया, उसने यहाँ पे तब्दीलियाँ की, अब हिंदुइज्म यहाँ से बाहर जा रहा है। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, सो हिंदुइज्म जो है वो यहाँ से वो बाहर जा रहा है। सो हमने उस सारे प्रोसेस को रिवर्स कर दिया है। वो कहते हैं कि हमने अपने घर में इस चीज़ को रोक दिया है। आपको पता है कन्वर्जन इज ए डिफिकल्ट टास्क, बहुत सारी एक सोसाइटियल क्राइसिस पैदा हो जाता है इस हवाले से, और अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी हम हिंदुइज्म को वापस भेज रहे हैं, सो वी आर गोइंग ग्लोबल। ठीक है जी, और ये जो है, और इसमें जो डॉक्टर जयशंकर की बुक थी वाई भारत मैटर्स, ठीक है जी, उसकी अंदर भी यही है कि वो आपको पता है भारत को एज ए सिविलाइजेशन पोर्ट्रे कर रहे हैं, और इस हवाले से और ये इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इस हवाले से, ये उनका कल्चरल कॉन्फिडेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि डिस्कशन हो रही है जनाब कि बॉलीवुड तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है जी, वहाँ पे जो ओवरऑल इंडियन कल्चर है वो तो होता ही है, लेकिन दे आर ऑल्सो जिसे कहते हैं ना कि रैपिंग अप, रैप कर रहे हैं द रिलीजन विद द कल्चरल सिम्बल्स। ठीक है जी, ये भी एक उनको एडवांटेज है, वो इसको अपने कल्चर को रिलीजन को मिक्स करके वो लेके जा रहे हैं। और सो ये मैं कह रहा हूँ कि वो नरेंद्र मोदी ये मैसेज देना चाहते हैं दैट दिस लुक लुक हमारा जो कल्चर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्रोमिनेंट है, और वी हैव आवर कनेक्शंस। सो ये चीज़ें वो करने चाह रहे हैं। सो ये टेम्पल डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने जो है वो आ रही हैं। और अगर आप देखें कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जय श्री राम के नारे लगाने, हज़ारों की तादाद में निकलना, और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि हम वो देख रहे हैं, कल रात एक उधर खिताब किया, आज इधर मंदिर में जो है वो आए हैं और यहाँ पे खिताब करेंगे, लोगों को मिलेंगे, मोदी के नारे लग रहे हैं। सो ये एक कहा जाता है कि ये जितने भी लोग हैं वहाँ पे सारे ब्लू कॉलर लोग हैं, ये कोई ज़्यादातर हाई क्लास बिजनेसमैन नहीं है या बिजनेस वूमेन नहीं है। आपको पता है कि जो लार्जली बिजनेस के लोग ज़्यादा बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहे होते हैं, इनका कोई मज़हब से इतना लंबा चौड़ा ताल्लुक नहीं होता, बिकॉज वो एक नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। सो जितने भी ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, वाले दिन छुट्टी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर आए हैं। सो दैट टेल्स द स्टोरी।